जम्मू से तकरीबन 115 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीचों बीच स्थित है ये भगवान भोले शंकर का प्राचीन मंदिर, जिसे शुद्ध महादेव के नाम से जाना जाता है। सदियों से हम जानते हैं कि भोले शंकर पहाड़ों में वास करते हैं। चेन्नई के करीब एक छोटे से गांव में भगवान भोले शंकर का ये मंदिर स्थित है। मंदिर को जाने वाले रास्ते में कई दुकानें हैं, जिनसे यहां आने वाले हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को पूजा की सामग्री मिल जाती है। तो आइए हम अपने साथ आपको भी भगवान भोले शंकर के दर्शन करवाएं। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि शिवरात्रि का महापर्व कुछ ही दिनों में आने वाला है और हम आज आपको लेकर आए हैं शुद्ध महादेव में, भगवान शंकर के प्राचीन मंदिर में। इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी हम आपको दिलाएंगे यहाँ के पुजारी रमेश कुमार जी से। तो आइए रमेश जी से बातचीत करते हैं। रमेश जी, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। इस मंदिर के बारे में, इसकी पूरी कथा, प्राचीन कथा क्या है, ये हमें आप बताएं। जीवन जो मूर्ति जो बन रहे मूर्ति शिव पार्वती की, जीवन मूर्ति किसने जो बनाई नहीं है, तो ये मूर्ति जमीन से निकली हुई है। वो बोलते किसी किसान को मिली, किसान जो हल चलाता था उसको मिली जल मूर्ति जमीन से ही, तो वहीं से उठा के लाया। रास्ते में आया भारी होती की जाएंगे, उसने राम कर लिए, सोचा जय मैं राम कर लेता हूँ, बाद उसको मैं उठा लूँगा। जब मूर्ति जय से नहीं उठी, जब नहीं उठी उस टाइम राजा महाराजों के टाइम होते थे, कोई चीज़ होती उनको दिखाते थे, वो अगर उनको बताने के लिए मेरे को मूर्ति मिली, जो मूर्ति मकान के रखनी है, जो वजह से मूर्ति उन्होंने मंदिर बना दिया। मंदिर है कोई 3000 साल पुराना मंदिर है। ये इनका जो माता पार्वती का जन्म स्थान है जो मानपुराई का है, उनकी शादी हुई थी मानपुराई जो माता पार्वती की जी, तो वहीं से स्नान करती है गौरीकुंड में। चार बजे गौरीकुंड है जो माता पर स्नान किया, तब उधर किया गौरीकुंड में, जहीं आकर शिवलिंग की पूजा की है, शिवलिंग या अक्षम शिवलिंग जिसकी जो माता पार्वती पूजा करती थी। इस बोलते पहले कुछ नहीं, सिर्फ जंगल जाते जय शिवलिंग एक इसके जो यहाँ पर बहुत सारे लोग, एक यहाँ मंदिर है, यहाँ से लोग उसके नीचे से दीवार से निकलते हैं, वो क्या है, उसकी क्या मानता है? उसकी मानता जी जो ये नंदीगढ़ इसको बोलते गर्भजू, बोलते निकलने से पावजू होते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा मेला होता है, उस वो मेला कब होता है और कितनी तादाद में लोग आते हैं? वो जो मेला होता है 3 दिन का, वो लगा जून गुरुपुर में आते हैं, उसमें जो मेला गया वो लगेगा 3 दिन तक। इसी में और शिवरात्रि के पावन दिन भी यहाँ पे काफ़ी रश होता होगा। बिल्कुल। और यहाँ जो यात्री आते हैं उनके रहने के लिए यहाँ कोई सराब वगैरह भी बनी होगी? छाएँ बनी हुई है, कि हाल ये है कि कच्चा हमारे पास कच्चा हाल है, वो भी कंबल भी है हमारे पास, कम दे देते हैं उनको जो कूड़ा करते हैं। ये सब कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट के अंदर? हाँ, ये ट्रस्ट पर। नई सरकार जो इस समय हमारा यूटी बन चुकी है, इससे आप क्या चाहते हैं और क्या यहाँ पर हो जिसकी आने वाले लोगों के लिए अच्छा? जब जब इधर तो डेवलपमेंट करे, जो हमारे कोई हासिल बना दें कुछ कर दें, हर हाल की कमी है तो डेवलपमेंट कर दें। और जो सड़क की भी बड़ी दिक्कत है, काम लगा इसका जी बच्चे दिक्कत रहेगा जी बनता रहेगा ना जी। तो शुला जो भगवान शंकर जो कुछ हमारा था जी, जे तो छुमा जो स्थान रक्षा बद गई है भगवान जी। हाँ, जो तो शुरू न माने जो तो छू लगा उससे निकला, उन्होंने शिवाल नमो शिवाल में सोचे जी भी मेरे पास मैं उसे मार दिए जी, उन्होंने बोला भाई बर्मा उसे आपके साथ मेरा नाम भी अमर होना चाहिए, जिसे बोलते हैं शुद्ध महादेव।
शुद्ध संत वैगे शुद्ध महादेव आगे शंकर भगवान जी। ये तुझा इसके तीन भाग है, इसी मैटर का पता नहीं कोई किस चीज़ का जब बना हुआ, इसके ऊपर लिखा भी है कुछ, पढ़े जाता क्या लिखा होगा क्या लिखा होगा। सामने जाए गोरखनाथ जी जी जो उनकी मूर्ति सम्भारो बाबा गरनाथ जी जो उनकी मूर्ति, तो इसके ऊपर जो ये छीन गया इसके ऊपर चाहे जितना हमारे जल चलाओ, ये जल का कोई पढ़ नहीं, जल कहाँ जाता है। जी पंडित जी आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए शुक्रिया। तो दर्शकों कश्मीर समाचार का ये कोशिश रहती है कि वो इसी तरह के प्राचीन धार्मिक स्थानों पर आपको लेकर चले, तो आगे भी हमारी कोशिश होगी कि हम आपको ऐसे ही किसी स्थान पर लेकर चले। नमस्कार।